सदगुरु कबीर को हाथ जोड़ते हुए उनके आदेश को पालन करो कि कबीर दुर्मति दूर करो। ये दुर्मति का ही परिणाम, शराब पीना दुर्मति है, गुटखा गुराखू खाना दुर्मति है, शराब पीना दुर्मति है, व्यभिचार करना दुर्मति है, बेईमानी करना दुर्मति है, मिलावटबाजी करना दुर्मति है, दूसरे की माँ बहन बेटी पर आंख चमकाना दुर्मति है, भैंस लेकर दूसरे की रात में फसल चरा देना दुर्मति है, भैंस दिया 5 सेर दूध। इतने ईमानदार यहाँ के लोग हैं, एकदम बढ़िया फार्मूला बनाकर रखे हुए हैं कि सिया राम में सब जग जानी, अब बेचही दूध मिला वही पानी। भैंस दिया 5 सेर दूध, दूध लेकर के चले जलालगढ़ की तरफ, और रास्ते में नदिए मिल गया। एक बार तो हम काशी में थे तो दूध बेचने वाला गया, दूध लोग लेने वाला ले लिया, उसमें से छोटी मछली निकली, चूंकि नाली एक पैन मिला दल कर। किसी ने कहा दूध में छोटी छोटी मछली है, कल के 10 रुपये किलो है तो मछली नहीं, क्या उसमें हाथी मिलेगा। ये दुर्मति नहीं तो क्या है, भैंस लिया 5 सेर दूध, जलालगढ़ पहुंचते पहुंचते दूध हो जाता है 11 सेर। ये मिलावटबाजी दुर्मति तो और क्या है, दूध के भाव में पानी को बेच लेना बेईमानी नहीं तो और क्या है। कबीर देव हमारे जीवन को बढ़िया बनाने की सलाह देते हैं। कबीर को अपना तो लीजिए कम से कम, कबीर ऐसा हितैषी धरती पर दूसरा आदमी आपका नहीं हुआ। जीवन भर मानव हित के लिए ही कबीर साहब काम करते रहे कि मानव स्वस्थ कैसे हो, मानव सुखी कैसे हो, मानव जीवन सम्मानित कैसे हो, मानव जीवन शांति लाभ कैसे करें। भाई बहन सब लोग, स्वास्थ्य बहनों को भी चाहिए, सम्मान बहनों को भी चाहिए, शांति बहनों को भी चाहिए। जैसे शरीर निर्वाह के लिए भोजन पुरुष को चाहिए तो उनको क्या चाहिए, मिट्टी। भूख के निवारण के लिए जैसे पुरुष को चाहिए, नर को चाहिए अन्न, तो नारी को भी चाहिए अन्न। प्यास मिटाने के लिए नर को चाहिए पानी, तो नारी को भी चाहिए पानी। व्यवहार में पुरुष को चाहिए सम्मान, तो बहनों को भी सम्मान चाहिए। पुरुष को चाहिए शिक्षा, तो माताओं को भी शिक्षा चाहिए। पुरुष को चाहिए साधना, तो माताओं के जन्म में साधना उतरनी चाहिए। लड़का को विद्वान बनाना है तो लड़की को विदुषी बनाओ, नहीं तो बेईमान हो जाओगे। लड़का को आप लोग पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाते हो, और लड़की से अगर बकरी चरवाते हो तो उस माता पिता को हम पापी कहते हैं। लड़का लड़की एक समान, समग्र विकास की बात सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि आधा बस पुरुष आधा बस जोई। इस समाज का अर्धांश नर है अर्धांश नारियां हैं। अगर समाज का सर्वांगीण विकास चाहते हो तो लड़कों की शिक्षा के साथ साथ लड़कियों को शिक्षित बनाओ। लड़कों के बल के साथ साथ लड़कियों का बल संवर्धन हो, लड़कों के चरित्र के साथ साथ लड़कियों का चरित्र ऊंचा हो। सब कोई मिल के बनबे छी की ओकरा। अच्छा अच्छा नहीं ठीके छे, काम के लोग बैठू सब ग्रामा। मैंने कहा सदगुरु कबीर ने आधा बस पुरुष आधा बस जोई, कितना अच्छा लगता है। बीच में रास्ता है, एक तरफ हमारी बहनें बैठी हैं, एक तरफ भाई लोग बैठे हुए हैं, शोभता है पंडाल। उसी तरह से लड़का विद्वान हो तो लड़की विदुषी हो, लड़का बलवान हो तो हमारी बेटियां बलवती हो, लक्ष्मीबाई की तरह, दुर्गा और भगवती की तरह। लड़का विद्वान हो तो लड़की विदुषी हो, और लड़का बलवान हो तो हमारी बेटियां भी बहनें भी बलवती हो,
और लड़का अगर चरित्रवान हो तो हमारी बेटियां चरित्रवती हो, हमारा देश स्वर्ग हो जाएगा। एक साथ दोनों का विकास। अन्याय किया है यहां के लोगों ने। इतिहास को पढ़ करके देखो तो हजारों साल का काल काला दिवस मनाया जा सकता है, उसको काला दिवस कहा जा सकता है। हजारों साल तक की माताओं को लोगों ने कहा कि पढ़ने लिखने का हक इसको नहीं है। कितना बड़ा अन्याय है माताओं के साथ। शायद बहुत लोग इसमें नहीं जानते होंगे, जहां वेद मंत्र की रचना ऋषियों ने की वहां दर्जनों ऋषिकाएं हैं, दर्जनों हमारी माताएं हैं जिन्होंने वेद मंत्र की रचना की है। 10,000 से ऊपर ऋग्वेद में मंत्र है, उस मंत्र के साथ ऋषिकाओं का नाम जुड़ा हुआ है। क्योंकि वेद मंत्र के रचयिता ऋषि रहे हैं तो रचयित्री माताएं रही हैं। तो वेद मंत्र की रचना करने वाली माताओं को वेद पढ़ने का हक छीन लिया। इतना बड़ा शैतान आदमी हुआ इस समाज में, फार्मूला बना करके रख दिया स्त्री शूद्रो ना धीयताम। स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर पहले भी नहीं होता शूद्र को पढ़ने का अधिकार तो 24 लाख श्लोक की रचना करने वाला व्यास कैसे पैदा होता, वशिष्ठ स्मृति कैसे होती, योग वशिष्ठ पुस्तक कैसे आती, वो भी तो वेश्या पुत्र था। पहले इतना कलुषित भाव नहीं था। वशिष्ठ वेश्या पुत्र वो हो गया राम वंश का गुरु। इधर के दुर्बुद्धि ग्रस्त लोगों ने कहा कि स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये कम अन्याय नहीं हुआ है मानवता के साथ। ये माताओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज तो है। आज तो तमाम टुकड़ी के टुकड़ी IAS बन रही है, लेखिका बन रही है, प्रवक्त्री बन रही है। आजकल तो आप लोग TV पर देखते हो कि रितंभरा जब मंच पर बोलने लगती है तो हवा रुक जाती है। भारत की ललना है, भारत की स्त्री है। रितंभरा बोलने लगती है तो मालूम पड़ता है हवा रुक गई, उसकी भाषा शैली बोलने का प्रवाह। अब समय पलटा है। सदगुरु कबीर का प्रयास रहा है कि ये जो अवरोध है नारियों के जीवन के आगे उसको हटाओ, दीवाल को तोड़ दो, इसको भी शिक्षा साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने दो। लोगों ने नियम बनाया कि औरतें पढ़ नहीं सकती है। नहीं पढ़ेगी तो क्या करेगी बेचारी, बचपन में बकरी चराएगी। अब ब्याह कर दोगे आप लोग, 2-4 बच्चा पैदा करेगी, गोबर की चिपड़ी टोपती रहेगी, चूल्ही में लुकाठी लगाते लगाते वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल जाएगी और उसका कोई विकास नहीं हो सकता। ऐसा नियम बनाया आदमी ने, कितना बड़ा अन्याय किया समाज के साथ। इस अन्याय के कुहासा को कबीर ने हटाया। कहा समाज का अगर सर्वांगीण विकास देखना चाहते हो तो शिक्षा के क्षेत्र में माताओं को आगे बढ़ने दो, साधना के क्षेत्र में माताओं को आगे बढ़ने दो, अध्यात्म के क्षेत्र में माताओं को आगे बढ़ने दो। प्रवंचना बहुत आई समय समय से समाज में, अब बड़ा अन्याय हुआ उसके लिए। ये सब दुर्मति का परिणाम है। इस जितने कुचक्र आए हैं दुर्मति के कारण, जिसने यह नियम बनाया निश्चय ही दुर्मति ग्रस्त रहा होगा। सकलो दुर्मति दूर करो कबीर, दुर्मति दूर करो। अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, सामाजिक जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो मानवता के प्राण सदगुरु कबीर का आदर्श आदेश को मानो कि कबीर दुर्मति दूर करू। केवल दुर्मति को जीवन से हटा दो। जब बादशाह के सामने ये युक्ति रखी बीरबल ने तो नॉर्मल तो हो गया था बेचारा। हो यही तो संघ का प्रभाव है, सद्वचन का प्रभाव है। बीरबल की युक्ति काम कर गई और आप लोगों के बीच भी ये काम कर जाए, आप लोग वैसा ही संकल्प ले लो। बादशाह ने कहा बीरबल जो चीज हमें इस दुर्गति पर पहुंचा देगी उसका सेवन करना
बेहायापनी के अलावे और कुछ नहीं है। हम पतित तो हैं किंतु पतितात पतित नहीं है। शराब पीते हैं हम पतित हैं, अधम हैं हम किंतु अधमाति अधम नहीं है। जो शराब और मांस हमको इस दुर्गति पर पहुंचाएगी, मांस और शराब दुर्गति पर पहुंचाएंगे हमको, इस शराब को नाली में बहा दो। ठीक ढंग से सोचिएगा, निर्णय आप लोग भी लीजिएगा। ऊपर नीचे खड़े बैठे जितने भाई हैं, मेरा किसी से कोई पक्षपात नहीं है। सामने बैठे हैं उसके लिए, बगल न बैठे हैं उसके लिए, सड़क पर खड़े हैं उसके लिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से मैं बोल रहा हूँ। सभी भाइयों का भला हो उस उद्देश्य से बोल रहा हूँ। बीरबल से बादशाह ने कहा कि जो शराब और मांस इस दुर्गति पर हमको पहुंचा देंगे, इस शराब को नाली में बहा दो। अब मिट्टी कुरेद करके मांस को मिट्टी के नीचे कर दो। जब दिमाग पर मादकता पैदा करने वाली दो चीजें चली गई, शराब चली गई नाली में पिया नहीं, अब मांस चला गया मिट्टी के नीचे खाया नहीं, तो जो मांस और शराब दिमाग में मादकता पैदा करने वाली दो चीजें हैं, वो जब नाली और मिट्टी के नीचे चली गई तो बुद्धि का निखार हो गया, बुद्धि की चमक निखर गई। जब सही बुद्धि सामने आई तो दुर्बुद्धि में जिस लड़की को वेश्या समझ रहा था, वो दुर्बुद्धि जब हट करके सुमति हो गई, तो वेश्या से बादशाह कहता है, बहन भाई समझ करके माफ कर देना हूं। उस वेश्या में भगनी बुद्धि कर लेता है बादशाह, कहा बेटा समझ करके माफ कर दो, तुम मेरी मां हो। ये सद्बुद्धि, दुर्बुद्धि में जिसको वेश्या समझ रहा था, सद्बुद्धि में उसको बहन कहने लगा, मां कहने लगा। और डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर आज भर की फीस तो ले लो, कल से डॉक्टर होकर के मेरे पास नहीं आना, क्योंकि अपना डॉक्टर हम स्वयं हो गए हैं। अब जो संयमी हो गया वो अपना चिकित्सक स्वयं हो गया, क्योंकि संयमी आदमी के जीवन में रोग नहीं आ सकता है, रोग तो असंयम का कारण है, असंयम का परिणाम है रोग। डॉक्टर से कहा कि आज भर की फीस ले लो, कल आना तो डॉक्टर के रूप में नहीं आना, मित्र के रूप में आना, क्योंकि आज से हम संयमी हो गए हैं। खाने में संयम, बोलने में संयम, हर व्यवहार में हम संयम में उतर गए हैं, अब रोग हमारे पास आएगा नहीं। आइए, मैं कह रहा था कि एक दुर्मति का इतना बड़ा दुष्परिणाम हुआ, शरीर रोगी हो गया और संपदा चली गई, सम्मान चला गया, इज्जत चली गई, सर्वनाश हो गया। कबीरदेव कहते हैं कि जीवन को अच्छा बनाना चाहो, दुर्मति छोड़ दो, शरीर को स्वस्थ बनाओ, दाल चावल साग सब्जी दूध घृत मक्खन मलाई बढ़िया भोजन लाने हो, सात्विक पौष्टिक आहार लीजिए। आज पौष्टिक आहार का जहां नाम लेते हैं तो मालूम पड़ता है कि सबटा प्रोटीन मुर्गी के घुटिए में घुसियाल छे। जहां पौष्टिक आहार को तो मुर्गी की तरफ देखेगा, नहीं तो फार्मूला कहेगा संडे हो या मंडे दोनों शाम अंडे, उसमें पौष्टिकता नहीं है। एक वैज्ञानिक साधु हुआ है, साधु होने के बाद में स्वास्थ्य विज्ञान की पुस्तक लिखी, एक तरफ पदार्थ है उसमें प्रोटीन निकोटीन की चर्चा उसने की, वैज्ञानिक कसौटी पर कस करके उसने कहा कि 1 किलो मांस में जितना विकार युक्त प्रोटीन है उतना निर्विकार प्रोटीन 1 पौआ अंकुरित चना में है। आपका दिमाग भटक कह गया है, 1 किलो मांस में जितना विकार युक्त प्रोटीन है उतना निर्विकार प्रोटीन 1 पौआ अंकुरित चना में है। शाकाहारी जीवन जियो। आज अंडा पर लोग चोट कर रहा है, घोड़ा खाए छे अंडा हो बोलो, आ कि मुर्गी घुट्ठी चिब्बे छे वही चना भूसा खाता है, आ 10-10 आदमी को टमटम पर बैठा करके एक दम में दौड़ता जाता है। ये अंडाखोर समिति के सदस्य का कहो टमटम जरा खींचे ले तो ब्लड प्रेशर हाई भाग जाते ऊपर। सोच ही हमारी गलत हो गई है।
पौष्टिक सात्विक संयत आहार, दाल चावल साग सब्जी दूध घृत मक्खन, आज आदमी खाने लगा है मांस, तो बाघ सिंह हुड़ार कुत्ता और बिलाय की खेते, अरवा चौर के भात राहर के दाल बैगन के चोखा। बाघ सिंह हुड़ार क्या खाएगा जी, काजू किशमिश? अरे वो आदमी का आहार है, लेने दो आदमी को, बाघ सिंह के कुत्ता का तो मांस आहार है, उसको छोड़ दो। आप कहा कि बाघ सिंह कुत्ता हरिन बनते हो, आप आदमी हो, आदमी बनो, बाघ काहे बनते हो, भालू काहे बनते हो? आज भालू बनने की योजना समाज में चल चली है। कल भी एक लड़की हमारे पास आई, अब हाथ को ऐसे किए हुए है ऐसे, एक दिन हम चले जा रहे थे रानीगंज से पश्चिम, नहर से हमारी गाड़ी गुजर रही थी, दूर में एक भैंस चराता हुआ युवक शिष्य है दौड़ करके आया साहेबनगी करने के लिए। अब झंझट में फंस गया वो कि नहीं आते वही अच्छा होता है, हम वहीं से हाथ जोड़ लेते। दौड़ करके सामने तो चला आया, तब उसकी नज़र पड़ी उंगली पर, तो गमछा लपेट लड़के हमके हाथ में, एक जिमा भलो या भलो की हाथ में, हाथ में हुआ कुछ नहीं था, जब हाथ में से गमछा हटाया तो जितनी लंबाई उंगली की है उससे आधी लंबाई नख की है। हमके कृत्रिम भौल बने ले चाहे छे कि आदमी होने से संतो, ये कौन सा फैशन है, इतनी बड़ी उंगली और इतना बड़ा नख, रात में अगर खुजला उजला मच्छर काटे तो कहीं आंखें से ना हाथ धो लेना पड़े। आदमी आर्टिफिशियल भालू बनना चाहता है। बहुत लोग तो अपना मुंह को ये रोड बना लिया है, इतना साफ साफ दांत प्रकृति ने दिया है मोती के दाने की तरह, और उसमें जर्दा पान खाते खाते लगता है कि अलकतरा लगा लिया है। प्रकृति ने साफ साफ दांत दिया था, आई जर्दा पान खाते खाते ऐसा मुंह को काला किया है कि प्रकृति ने नाराज होकर के ठोर के नीचे में कैंसर उतार दिया कि ले तुम दांत का इज्जत का है बिगाड़ दिए। हम अप्राकृतिक जीवन जीते चले जा रहे हैं, इतने दुर्व्यसन ग्रस्त हमारा जीवन है और इतना कुमति ग्रस्त हमारा जीवन हो गया है। कबीरदेव ने कहा कबीर दुर्मति दूर करो, पौष्टिक सात्विक संयत आहार ने भगवान कृष्ण, संपूर्ण महाभारत को पढ़ करके देखो, कभी हाथ में धनुष बाण कृष्ण नहीं उठाया। भारत नहीं दुनिया के महापुरुषों में भगवान कृष्ण एक अद्भुत महापुरुष है, कभी हाथ में धनुष बाण नहीं उठाया, शिकार नहीं किया। राम जी तो कर लेते थे, इसलिए बापो कोई ढह ले रहे वो शिकारे करे फेरा में श्रवण कुमार के प्राण ला लेके, और रामू जी शिकारे करे फेरा में अपना पत्नी के चोरवा दिल के लाकर रावण भाग गए। लेकिन भगवान कृष्ण कभी धनुष्मान नहीं उठाया, गौ चराया, सबसे सात्विक काम, दूध पिया मक्खन खाया, इतना प्रोटीन शरीर में कि बचपने में कंस के पटक पटक के सबटा रनकिल्ली देह के अलग अलग क्या दर, कैसे समझ रहे हो कि सब प्रोटीन मांस में है। सात्विक भोजन करो, सब लोग निर्णय लो, दाल चावल साग सब्जी दूध घृत मक्खन मलाई सीजनल फल। भारत से बाहर के लोग तरसते हैं कि उस भारत के लोगों का पेट रोग क्यों होता है, जहां बेल ऐसा अमृत हो और पपीता ऐसा अमृत हो, बेल का पेड़ क्यों नहीं लगाते हो? बेल के सीजन में बेल पक जाए उसको निकाल करके उसके गुद्दा को सुखा करके चूर्ण बना करके रखो, कभी पेट में गड़बड़ी हो बेल के चूर्ण का सेवन करो, कभी पेट में रोग नहीं होगा। पपीता घर के अगल बगल लगाओ। विदेश का एक डॉक्टर ने समीक्षात्मक लेख लिखा, उस समय पटने में जब कॉलेज में पढ़ा रहा था, वहाँ उस समय मैंने एक लेख पढ़ा था, सेब और अमरूद, सेब और अमरूद का समीक्षात्मक विश्लेषण करते हुए विदेशी अनुसंधाता ने कहा कि सब प्रकार से सेब से अधिक संपत्ति शक्ति अमरूद में है। जो लड़का लड़की नाटा नाटी होने वाला है होने वाली है, अगर भोजन के बाद दिन में दो अमरूद रोज उसको खिलाए जाए लंबा हो जाएगा, इतनी शक्ति है अमरूद में। दुर्भाग्य यही है कि वो आपके घर के पिछवार में होता है, 12 आना किलो बिकता है, और सेब कश्मीर में होता है वो 50 रुपये किलो मिलता है, गुण में सेब से आगे है अमरूद।
अमरूद का पेड़ लगाओ, पपीता लगाओ, बेल लगाओ, टमाटर लगाओ। इन आज जो दुर्भाग्य हो गया है देश का, टमाटरों में इंजेक्शन, सबको जहर बनाते चले जा रहे हो। दलक भोंक कदुआ में भैरिये रात में यत्ते को भागलक खा। यहां तो हर चीज को लोगों ने जहर बना दिया है। कबीर दुर्मति दूर करूं,